हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और सुबह सुबह का टाइम है और मेरे घर से बाहर का कुछ नज़ारा इस तरह से दिखाई देता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लगता है सुबह सुबह का ये नज़ारा। सब कुछ हरा भरा रहता है तो मन भी फ्रेश हो जाता है इन चीज़ों को देखकर। तो सबसे पहले आज मैं छत के ऊपर आई हूँ अपने रूम को क्लीनिंग करने के लिए। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और आज मैं इतना जल्दी ऊपर सब कुछ करने के लिए क्यों आई हूँ वो भी आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगी, सब कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने रूम में एंट्री करती हूँ और रूम काफ़ी डर्टी हो रहा था तो सबसे पहले मैं इसको फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ और फिर आपके साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ। चाय वगैरह सभी की हो चुकी थी और उसके बाद मैं यहाँ पर सीधा आ गई थी अपने रूम को क्लीन करने के लिए। बाद में मैं नीचे का डस्टिंग वगैरह झाड़ू पोछा लगाऊंगी तो आप देखते रहना। तो यहाँ पर मैंने सारे रूम को अच्छे से क्लीन कर दिया था, डस्टिंग वगैरह हो चुकी थी, उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू। एक्चुअली मैं ऊपर के रूम को रेगुलर से क्लियर नहीं करती हूँ क्योंकि हम नीचे ही सोते हैं गर्मी में, तो गर्मी के मौसम में हम ऊपर बहुत कम आते हैं। मैं कभी कभार आती हूँ, मेरा सामान ऊपर रखा हुआ है लेकिन मैं ऊपर आती नहीं हूँ। तो 2 से 3 दिन में एक बार साफ़ करके आ जाती हूँ, रेगुलर से नहीं करती हूँ। डर्टी तो होता नहीं है पर फिर भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा ली थी, उसके बाद मैं फटाफट से पोछा लगाती हूँ और नीचे जाऊँगी क्योंकि बच्चे भी उठ चुके होंगे, उनको दूध वगैरह देंगे, उसके बाद आगे का काम स्टार्ट करेंगे। जस्ट मैं चाय पीने के बाद ऊपर ही आ गई थी क्योंकि मेरे बेटा और मेरी बेटी दोनों सोए हुए थे। तो ऊपर का सारा डस्टिंग वगैरह करने के बाद मैं नीचे आ गई थी और सबसे पहले नीचे आने के बाद मैं मशीन लगा लेती हूँ, कपड़े वॉश करने हैं और टाइम हो रहा है 5:45 के करीबन का। तो सुबह सुबह मशीन लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं अंदर का झाड़ू पोछा ख़त्म करूँगी, तब तक मेरे सारे कपड़े वॉश हो जाएंगे। इसी तरह से काम करते हैं तो जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। तो मैं यहाँ पर मशीन लगा लेती हूँ और हमने मशीन को बाथरूम वगैरह में सेट नहीं करवा रखा और विलेज में ऐसे ही होता है, कहीं पर भी आप लगाकर कपड़े वॉश करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर एक स्पेशल, जैसे आप देख सकते हैं ये जगह बनी हुई है, यहीं पर कपड़े वॉश किए जाते हैं क्योंकि जो ट्यूबवेल का पानी आता है, तो पानी आता है तभी पर नाली यहाँ पर लेकर हम फटाफट से कपड़े वगैरह को निचोड़ लेते हैं और जो जल्दी से वॉश हो जाते हैं, तो इसमें हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों मैं मशीन वगैरह लगाकर आ गई थी और जब अंदर आई थी तो मेरा बेटा उठ चुका था, बेटी अभी नहीं उठी थी। लेकिन ये थोड़ा सा नाराज़ हो रहा है, ये नाराज़ इसलिए हो रहा था क्योंकि मुझे अपने आज मायके जाना है और अचानक से ही प्लान बना था। तो ये कह रहा था कि मैं भी आपके साथ चलूँगा, लेकिन ये जस्ट थोड़े दिन पहले दीदी के साथ चले गए थे तो मैं नहीं लेकर जा रही थी। तो बार बार मैं ये जाने की ज़िद कर रहा था और ये कह रहा था कि मेरा मन नहीं लगेगा क्योंकि मैं इसको कभी भी यहाँ पर छोड़कर नहीं गई हूँ अकेले को, लेकिन मुझे ज़्यादा दिन के लिए नहीं जाना है तो मैं इसको छोड़कर ही जाऊँगी। तो इसको बना लेती हूँ, मैं इसको कह रही थी कि मैं आपके टॉयज लेकर आऊँगी, ये लेकर आऊँगी, वो लेकर आऊँगी। तो थोड़ी देर में ये मान गया था क्योंकि मैं मेरी बेटी को लेकर जा रही हूँ और बहन वाला बेटा जा रहा है क्योंकि ये अपनी बड़ी मम्मी के साथ चले गए थे। तो यहाँ पर भी बच्चों का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे नहीं होंगे तो यहाँ पर भी मन नहीं लगता। तो इसी तरह से मैं इसको बना रही थी और ये आराम से अब मान गया था, काफ़ी खुश हो गया था, तो अब ये दूध पीने के लिए भी राजी हो गया था। अदरवाइज़ ये मना कर रहा था कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा। तो यहाँ पर बहन की बेटी भी उठ चुकी थी और वो दूध गर्म कर लेकर आ गई थी और मैं यहाँ पर कपड़े वगैरह टह लगा रही थी। तो मैं आपसे बात करते करते कपड़े भी टह लगा रही थी, लेकिन थोड़ी सी क्लिप मैंने इसकी ऐड कर दी थी कि ये किस तरह से नाराज़ होकर पड़ा हुआ था और अब कितना खुश हो गया आप देख सकते हैं। तो ये दूध देखकर खुश इसलिए भी हो गया था क्योंकि इसको चाय वाला दूध मिल गया था जो कि इसे काफ़ी पसंद है। तो दोस्तों मैंने झाड़ू वगैरह सारे घर में लगा ली थी और बाहर का जो भी होता है वो सारा काम निपटा लिया था। लास्ट में मैं पोछा लगाती हूँ और टाइम हो रहा है 7:15 के करीबन का। तो यहाँ पर मैं पोछा लगाई थी और आज मुझे काम जल्दी निपटाना था क्योंकि मायके से मेरे भाई और भाभी आएंगे, भतीजी भी आएगी और उनके साथ ही मैं जाऊँगी। पहले प्लान था कि मेरे हस्बैंड छोड़कर आएंगे लेकिन वो कह रहे थे कि हमें भी आना है, क्योंकि आना इसलिए था उन्हें क्योंकि मेरी सास की डेथ के बाद वो नहीं होकर गए थे। तो भाभी काफ़ी दिन से जिद कर रही थी कि मुझे जाना है एक बार दीदी हर के पास, तो वो आ रहे हैं और मैं उन्हीं के पास साथ चली जाऊंगी।
इसी वजह से मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। और पहले तो वो आने की कह रही थी कि 9, 9:30 बजे के करीबन आ जाएंगे, उस टाइम तक हमारा काम तो हो जाता है। लेकिन फिर मतलब बाद में मैंने फ़ोन किया तो कह रहे थे कि लेट आएंगे, क्योंकि जिस गाड़ी में वो आ रहे थे तो वो गाड़ी कहीं गई हुई थी, तो जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो जाएंगे। तो कब आते हैं वो आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। और तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और बीच में मैं 6-7 दिन तक वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं मायके ही गई हुई थी, और ये वीडियो मेरी पहले की है। जैसे जो सूट हुआ था वो मैं अब आ चुकी हूँ ससुराल में, और तब मैं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ पर मेरा मायका है वहाँ पर बिल्कुल भी नेट नहीं आते, नेट की काफ़ी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर मैं बिल्कुल अपलोड नहीं कर पाती थी वीडियो की। मैंने अपने मायके की वीडियो भी शूट की है 3-4 वीडियो, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं ज़्यादा दिन नहीं गई थी, 1 वीक के लिए गई थी, और आ भी गई थी संडे को ही, संडे को गए थे, संडे को ही आ गए थे। आ रही है, तू भी लाफिंग कर ऐसो। पढ़ना जाओ दियो रान 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 पेट्रोल पंप चल ले जाएगा गिल्ट का पेट्रोल पंप है ये सारा उड़ान पड़े खराब मार तो गाय वाले गुए वाले देते हैं मार तो यूज है जैसे पांच सौ शनिदेव आवे यार शनिवार।
सॉरी टू से मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है इस वीडियो की भी, क्योंकि बाद में मुझे दिखा कि इसमें सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत कम सुनाई दे रहा था। तो मैं यहाँ पर कह रही थी कि बस अभी खाना नहीं खाया है, खाने खाने की तैयारी, और फिर उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज कर कर सो जाएंगे। तो बस अभी खाना वगैरह आ जाता है और मिलती हूँ आपसे खाना खाने के बाद। यहाँ पर हम मस्ती कर रहे थे सभी बैठ कर। खाना वगैरह हो चुका है और अभी सोने की तैयारी हो रही है, लेकिन बच्चे सो नहीं रहे हैं। जो भाभी जी है वो बर्तन वगैरह वॉश कर रही है, मम्मी बाहर है, अभी सोएंगे बस। और अभी दिखाती हूँ मैं एक बार, बच्चे देखो क्या कर रहे हैं। हमने खाना खा लिया है, वैसे बच्चों को नींद नहीं आ रही, हमें तो काफ़ी नींद आ रही है। और देखो एक वो मोटू मोटू देखो 6 महीने की लड़की है, वो देखो कैसे बैठी हुई है, सोने का नाम नहीं ले रही, उधर वो भी नहीं सोया है। और इधर ये देखो ये कैसे परेशान कर रही है मुझे। तो आज के व्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, अच्छी के व्लॉग के साथ, मायके के व्लॉग के साथ। तो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।